एक वारदात, दो शहर और तीन आरोपी। कहते हैं कि गुनाह छिपाए नहीं छिपता, लेकिन ये तीन अपराधी इस गफलत में थे कि जिस वारदात को इसने अंजाम दिया है वो छिप जाएगा, क्योंकि इन्होंने शहर बदल लिया था। नया शहर, नया ठिकाना और अब नई पहचान के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें हैं मुंबई के ICICI बैंक में 27 और 28 अक्टूबर की दरमियानी रात हुई डकैती की वारदात की। देखिए कैसे पहले इन डकैतों ने गैस कटर का इस्तेमाल करके बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम और लॉकर को काट के सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मुंबई से फरार हो गए। वो पहुंच गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचकर इन आरोपियों ने सोचा कि अब ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन UPSTF की नजर इन पर पड़ी। UPSTF की टीम ने इन आरोपियों को गोरखपुर से आखिरकार दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी मुंबई से भागकर गोरखपुर पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश STF को जब इन आरोपियों के गोरखपुर में छिपे होने की जानकारी मिली तो STF की टीम ने फुर्ती दिखाई और वो फौरन रेड मारकर गोरखपुर से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज UPSTF द्वारा प्रातः तीन अभियुक्तों को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्तगण एक डकैती की घटना में मुंबई से वांछित चल रहे थे। 27/28 अक्टूबर की रात को ICICI बैंक नागपाड़ा ब्रांच में गार्ड को बंधक बनाकर इन अभियुक्तगण द्वारा एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और स्ट्रांग रूम को काटने का प्रयास गैस कटर के माध्यम से किया गया था। मुंबई पुलिस की सूचना पर UPSTF द्वारा इन तीन अभियुक्तों की अपनी व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने बैंक के गार्ड को पहले बंधक बनाया और फिर लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये आरोपी बैंक के स्ट्रांग रूम से लेकर लॉकर तक पहुंचे और गैस कटर से लॉकर को काटकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। इन शातिर डकैतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये पकड़े जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।